हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के एस एस वी एस्पिरेंट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम में से भी क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर सेक्शन के, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? द बाइनरी नंबर 10101 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर हमें गिवन है, डेसिमल नंबर हमें इसका निकालना है। तो कीजिए, क्या है हमारे पास बाइनरी नंबर 10101। ठीक है, कौन सी सीरीज है जिसे फॉलो करके इन्हें हम सॉल्व करते हैं? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, so on। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जिनके नीचे 1 है सिर्फ उन नंबर्स को ऐड करना है, तो जो भी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16 के नीचे भी 1 है तो 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में प्लस 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 2 को हम ऐड नहीं करेंगे, इनके नीचे 0 है, सो जिनके नीचे 1 वैल्यू है हम उन्हें ही ऐड करेंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आया है 21। तो 21 ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में अगेन बाइनरी नंबर गिवन है, हमें डेसिमल नंबर बताना है क्या है इसका। 1010। ठीक है, 1, 2, 4, 8। तो कर लीजिए, 8 प्लस 2 किया 10, 10 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 में 10 गिवन है, तो ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1111। ठीक है, इसका हमें अगेन डेसिमल नंबर जो है वो निकालना है। सीरीज़ क्या है? 1, 2, 4, 8। ठीक है, सबके नीचे 1 है तो मतलब हमें इन सभी नंबर्स को प्लस करना है। 8 प्लस 2 हो गया 10, प्लस 4 हो गया 14, प्लस 1 हुआ 15। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। 15 जो है वो हमारा यहाँ पे डेसिमल नंबर होगा इस गिवन बाइनरी नंबर का। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 101? ठीक है, 101 की क्या वैल्यू है निकालनी है? कीजिए, 1, 2, 4, 4 प्लस 1, 5। ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी? 5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 61 टू इट्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट इज़। ठीक है, अब डेसिमल नंबर मिला है हमें क्या? 61। ठीक है, तो इसका बाइनरी जो है वो हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे 61? लिए 61 के लिए हमें सीरीज जो है कहाँ तक चाहिए होगी? 1, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, यहाँ तक हम कर लेते हैं। क्या बनाना है? डेसिमल नंबर क्या है? 61। 61 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 32 को ही ले लेते हैं। 32 में प्लस 8 करेंगे 40 हो जाएगा, प्लस 16 करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 में प्लस 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा। हमें 61 बनाना है तो प्लस 1 करेंगे 61 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे 0 क्योंकि 2 हमें ऐड नहीं करना है। तो ये हमारे पास जो है बाइनरी नंबर आ गया है 1111101। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, इस तरह का बाइनरी नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 में, सो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम लगा देंगे 2। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 71 टू इट्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट इज़। बताना है अगेन, 71 डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए वापिस सीरीज को लिखिए, 1, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, 71 बनाना है तो इसके लिए हम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे तो 64 को भी ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेंगे ऐड 64। 64 में हम क्या ऐड करेंगे तो 71 बनेगा। 64 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 68, प्लस 2 किया तो 70, प्लस 1 किया तो 71। ठीक है, तो यहाँ हम लगा देंगे 0, जो नंबर्स हमें ऐड नहीं करने हैं। तो इस तरह का एक बाइनरी नंबर जो है वो हमारे पास आया है 1000111। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 में 1000111। तो ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इस डेसिमल नंबर को भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98। ठीक है, अब डेसिमल नंबर क्या है? 98 है, इसका बाइनरी बनाना है।
सेम इसी तरह से हम इसको भी क्या है सॉल्व करेंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 है, तो आप लोग कीजिए इसको। ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है 1100010 बाइनरी नंबर जो है इसका बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। इनमें से कौन सा है जो कि एक इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 1A0HB, ठीक है, इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। क्या कह रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 to 9, A to F, बोथ 1 and 2, ईदर 1 or 2। तो क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें होता है इसमें बोथ 1 and 2 होगा, ठीक है, 0 to 9 and A to F। सो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ डैश बेस। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसका क्या बेस होता है, 2, 8, 10 या फिर 16, तो इसका क्या होता है, दैट इज 16। ऑप्शन 4 जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ हेक्साडेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 digits, 4 binary digits, 4 digits, ऑल ऑफ दिस। बताना है एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेक्ट आंसर है 4 binary digits, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ऑक्टल सिस्टम नीड्स लेस डिजिट्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर देन इन द बाइनरी सिस्टम, नीड्स मोर डिजिट्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर देन इन द बाइनरी सिस्टम, नीड्स द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स टू रिप्रेजेंट्स अ नंबर एज इन द बाइनरी सिस्टम, नीड्स द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स टू रिप्रेजेंट्स अ नंबर एज इन द डेसिमल सिस्टम, ठीक है। एक ऑक्टल सिस्टम नीड्स लेस डिजिट्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर देन इन द बाइनरी सिस्टम, सो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 13, डेसिमल नंबर सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ डैश नंबर्स। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो कौन से नंबर्स का ग्रुप होता है, 0 और 1, 0 to 9, 0 to 7, 0 to 9 and A to F। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो कौन से नंबर्स का ग्रुप होता है, 0 to 9, सो ऑप्शन 2 जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नंबर्स दैट आर रिटन विद वेस 10 आर क्लासिफाइड एज। तो बताना है वो नंबर्स जो कि कैसे लिखे जाते हैं विद बेस 10 और क्लासिफाइड एज, उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे, होल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, एक्सपोनेंशियल इंटीजर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, 10 होगा तो डेसिमल नंबर, ऑप्शन 1 जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर है। कम टू क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। इनमें से बताना है बाइनरी नंबर की एग्जाम्पल कौन सी है, तो बाइनरी नंबर ये है 100101, सो ऑप्शन 2 जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाइनरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। बाइनरी सिस्टम को क्या कहेंगे, बेस 1 सिस्टम, बेस 2 सिस्टम, बेस सिस्टम, बाई सिस्टम, तो इसे हम बेस 2 सिस्टम कहेंगे, ठीक है, बाइनरी सिस्टम को बेस 2 सिस्टम भी कहेंगे, सो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 and 1 ओनली इज नाउन एज। बताना है वो नंबर सिस्टम जो कि किस पे बेस होता है, 0 and 1 पे ओनली, उसे क्या कहेंगे, बाइनरी सिस्टम, वाटर सिस्टम, नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसे बाइनरी सिस्टम कहेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो एक बाइनरी सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है इसमें 2 है, तो ये एक बाइनरी सिस्टम नहीं है। अभी हमने कहा बाइनरी नंबर में क्या होता है, ओनली 0 and 1 होते हैं, यहाँ पे 2 है, सो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन स्टोर्ड डाटा कंप्यूटर यूजेस डैश नंबर सिस्टम। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए क्या यूज़ करोगे, कौन सा नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या फिर बाइनरी, करेक्ट आंसर क्या है इसका, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, मॉडर्न कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट करेक्टर्स एंड नंबर्स इंटरनली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम्स। कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, पेंटा, ऑक्टल, हेक्सा, सेप्टा या फिर बाइनरी, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन 5 करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने नंबर सिस्टम पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देखे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। Thank you. Have a nice day.